पूर्वी दिल्ली से भाजपा के सांसद उम्मीदवार गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी के अपने प्रतिद्वंदी को करारा जवाब दिया। अतिशी ने उन पर दो वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में गंभीर ने कहा, अगर आपके पास कोई विजन नहीं है, आपने पिछले 4.5 वर्षों में कुछ नहीं किया, तो आप इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं। अतिशी ने आपके खिलाफ जो है कार्रवाई करने की मांग की है, साथ ही उन्होंने बोला है कि आपके पास दो वोटर आईडी कार्ड है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, जो भी आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार है, जब आपके पास कोई विजन नहीं होता, जब आपकी पार्टी के पास कोई विजन नहीं होता, कोई एक्चुअल चीज़ आपने 4.5 साल में कुछ किया नहीं होता, तो आप ऐसी एलिगेशन लगाते हैं। ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। जब आपके पास विजन होता है ना, तो आप नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते। अगर आज आपके पास सिर्फ ये टाइम है कि आप कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स दिए जा रहे हो, कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स करे जा रहे हो, क्योंकि आपके पास कोई विजन नहीं है, कोई लोगों को बताने के लिए नहीं है कि आपने 4.5 साल में क्या किया। आप पहले स्टेटहुड के पीछे जाके छुप रहे हो, अब आप एलिगेशन लगा रहे हो, तो हमारे को नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करनी। बीजेपी और बाकी पार्टीज में जमीन आसमान का फर्क है, एक सोच में बहुत बड़ा फर्क है, और वो सोच का फर्क रहना चाहिए। हम नेगेटिव पॉलिटिक्स करने नहीं आए, हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने आए हैं। हम यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला, ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिल्ली की बेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे, वो हमारा सपना है और वो हमारा मकसद भी है।